हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम पास्ता जो कि बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी बनकर तैयार होगा। बिना वेजेस काटे हम इस पास्ता को तैयार करेंगे। इसमें कोई भी वेजेस नहीं जाएंगी, उसके बिना भी ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी बनी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सिर्फ प्याज और लहसुन और एक हरी मिर्च ले लेंगे। हमें 1.5 कप पास्ता लेना है, उसके लिए 1 प्याज बहुत होगा। इन्हें हम छोटा छोटा काट लेंगे, प्याज को और गार्लिक को। ये दोनों चीज़ें हम काट कर रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम पास्ता बॉईल करेंगे। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। फटाफट अगर सब्जियां काटने का मन ना हो, ज़्यादा सब्जियां डालने का मन ना हो, तो आप जल्दी से ये पास्ता रेडी कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस क्रीमी बनकर तैयार होता है। इंस्टेंट रेसिपी है ये पास्ता की। तो इसे अब हम, हरी मिर्च भी हमने काट ली, तो अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं पास्ता को। इसके लिए हम पानी रखेंगे उबलने के लिए। उसमें हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। उसमें हमने पास्ता डाल दिया है अपना। उबलते हुए पानी में हमेशा पास्ता डालें आप। ये देखिए पास्ता सॉफ्ट हो गया है और हम इसे इस तरीके से चेक करेंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। ये एकदम से टूट गया है और गल गया है। इसे अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। एक बड़े बोल के ऊपर छन्नी रखी है, उसमें पास्ता मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसके ऊपर फटाफट से ठंडा पानी डाल देंगे हम, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम इसका तड़का लगा लेंगे। फटाफट से ऑयल डालते हैं हम पैन में। उसमें हमने जो चॉप किया था गार्लिक, वो डाल दिया है। मीडियम गैस पे आप इसे चलाएं और इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लें। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे हमें। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और उन्हें भी हम थोड़ा सा चलाएंगे। ज़्यादा नहीं भूनना हमें प्याज़ों को, क्योंकि पास्ता में थोड़े से कच्चे कच्चे प्याज ही अच्छे लगते हैं। इसमें अब हम टोमेटो की मैंने प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे हम। अच्छे से चला लेंगे इसे हम। टोमेटो प्यूरी भी मिक्स हो गई। अब इसमें हम थोड़ी सी टोमेटो सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस से टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है इसका। मेजरमेंट में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, आप वहां जाके सारे मेजरमेंट्स देख लीजिए। पास्ता का वाटर भी हमने थोड़ा सा सेव किया था, वो मैं दिखाना भूल गई। ये हम इसमें डाल लेंगे। पास्ता वाटर से टेस्ट एनहेंस होता है। थोड़ा सा ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स, नमक जो आपके टेस्ट के अनुसार है, काली मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी। इन्हें हम मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से इस मसाले में। और इसके बाद अब हम इसे 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। ये हमने दूध ऐड कर दिया, साथ ही इसमें 1/3 कप के करीब क्रीम ऐड कर देंगे। मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसमें उबाल आ जाएगा। देखिए कितनी क्रीमी सॉस बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा इसमें हम चीज़ डाल देंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप प्रोसेस्ड भी डाल सकते हैं। ये हमारा पास्ता की ग्रेवी तैयार हो गई है। सॉस बहुत ही अच्छी बनी है। इसमें अब हम अपना बॉयल्ड पास्ता ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पास्ता हमें ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में खाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी मन हो तो फटाफट से ये रेसिपी हम बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे हम, बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। पास्ता हमारा बनकर रेडी है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।